हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल काल, तो इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो एक वीडियो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बाबर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको हुमायूं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू आगे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिविजन भी कर सकें। तो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर का। देखिए, बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं इनमें सबसे बड़ा था, तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1508 में। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था, तो 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 को, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं, ये इसका पूरा नाम था, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, देखिए, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली थी, और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर पर शासन ले लिया था। तो हुमायूं सिंहासन पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वह कितने वर्ष का था जब उसने राजगद्दी संभाली थी, तो वह 22 वर्ष का था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 साल की उम्र में हुमायूं ने राजगद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। देखिए, हुमायूं का जो शासन था, पहले तो 1530 ईस्वी से 1540 तक था, और फिर 1555 से 1556 तक था। कुल मिलाकर इसने 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन यह इसने 2 बार में किया था। पहले किया था 1530 से 1540 तक, उसके बाद यह एक युद्ध में हार गया था और इससे राजगद्दी छीन ली गई थी, उसके बाद यह 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हुमायूं ने वैसे तो कई लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके 4 प्रमुख युद्ध हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आपको इस क्वेश्चन में सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पहले इसने देवरा युद्ध लड़ा, उसके बाद चौसा का, फिर कन्नौज का, और अंतिम युद्ध था सरहिंद का। तो इस प्रकार से इनका सही क्रम है। आगे मैं आपको इनके युद्धों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था। अब देखिए, इसके बारे में बता दूं, 1532 में हुमायूं ने शेर खान पर हमला कर दिया था, जिसमें कि अफगानों की ओर से नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने, यानी कि शेर खान की ओर से जो कि अफगान था, इसकी ओर से नेतृत्व किसने किया था, तो महमूद लोदी ने किया था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जून 1539 ईस्वी को। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, डेट याद रखनी है। अब देखिए, इसके बारे में बता दूं, 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित
चौसा गांव के पास यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, यानी कि जो शेर खान था उसे शेरशाह सूरी कहा जाता है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, और हुमायूं इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं एवं शेर खान। हुमायूं एवं शेर खान जिसे कि शेर शाह सूरी कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था। अब देखिए बता दूं, यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया था। और देखिए चौसा के युद्ध के बाद जो शेर खान था, इसने अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया था, यानी कि इस युद्ध के बाद शेर खान का नाम शेर शाह सूरी पड़ गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 मई 1540 ईस्वी को। तो देखिए जो बिलग्राम का युद्ध है इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, या कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था ये हुआ था 17 मई 1540 को। अब इसके बारे में बता दूं, देखिए हुमायूं की सेना 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी की सेना से हार गई थी, यानी कि ये जो युद्ध था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और देखिए इस युद्ध के पश्चात हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा, और दिल्ली का राज्य शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बात करें सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जून 1555 ईस्वी को। अब देखिए यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो सरहिंद का युद्ध था यह युद्ध मुगलों एवं अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। देखिए इस युद्ध में मुगलों ने अफगानों को हरा दिया था, इसमें हुमायूं को सफलता मिली। इस युद्ध के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और उसे दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी थी, उसके बाद 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं जीत गया था, और वह दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं की। तो देखिए आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह नगर में जो पुस्तकालय था, जिसे कि शेरमंडल कहा जाता है इस पुस्तकालय को, तो इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए जो हुमायूं की कब्र है, यानी कि इसका जो मकबरा है कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध मकबरे हैं जिनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप मकबरों का एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और करें, और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अब देखिए इससे पहले हमने बात करी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाजी बेगम ने। देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में कराया था। देखिए इसी के मकबरे को एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। देखिए हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है, हुमायूं नामा है, तो हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी, तो जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीन पनाह नगर की। तो देखिए दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध, यानी कि बिलग्राम का युद्ध। तो देखिए जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो 17 मई 1540 को हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला गया था, उसने भारत से बाहर शरण ली थी। अब इसके बारे में बता दूं, इस युद्ध में हुमायूं हार गया था,
और निर्वासित हो गया था, यानी कि भारत से बाहर चला गया था। कन्नौज से हारने के बाद वह आगरा, दिल्ली और सिंध में समय व्यतीत करते हुए बैरम खान की सलाह पर ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा था, और यहाँ पर उसने शिया धर्म भी स्वीकार कर लिया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरान के शाह और बैरम खान की मदद से। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था और हुमायूं के हाथों से सत्ता छीन गई थी, जिससे हुमायूं भारत से बाहर चला गया था। उसके बाद उसने ईरान के शाह और बैरम खान से मदद ली थी। इन दोनों ने हुमायूं की मदद की थी। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, और 1555 में हुमायूं जीत गया था और दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो देखिए बता दूं, जब 1540 में हुमायूं के हाथों से सत्ता छीन गई थी, तो उसने अपने निर्वासन काल के शुरू में राणा बीरसाल के यहाँ शरण ली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अमरकोट के राजपूत शासक राणा बीरसाल ने हुमायूं को शरण दी थी। और देखिए, राणा बीरसाल के महल में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म भी हो गया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देखिए, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहीं पर छोड़ देता हूँ, तो आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बदख्शां का। तो देखिए बता दूं, हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में बदख्शां का सूबेदार बनाकर पहला महत्वपूर्ण पद दिया गया था। तो याद रखना है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का सूबेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं। देखिए, हुमायूं ऐसा शासक था जो कि ज्योतिष में विश्वास करता था, और वह सप्ताह के 7ों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, अगर आप टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको हमारे इस चैनल पर पहले ही टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। आप यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।